जय हिंद, नमस्कार। एक तरफ आर्मी एयरफोर्स के पुराने प्रक्रियाधीन भर्तियों को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है, तो वहीं दूसरी ओर डिफेंस अकेडमियों को लेकर इन दोनों यूट्यूब पर मानो भूचाल सा गया है। आप खुद भी देख रहे होंगे कि इन दोनों डिफेंस अकेडमियों को लेकर यूट्यूब पर क्या क्या देखने को मिल रहा है। खैर, इस मुद्दे पर हम फिर कभी बात करेंगे, आज सिर्फ हाईकोर्ट मामले में क्या चल रहा है इसी पर बात करेंगे। देखिए, बीते कल दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है, लेकिन जिस मुद्दे को लेकर युवाओं को ज़्यादा परेशानी है उस मुद्दे पर सुनवाई नहीं हुई है। यानी बीते कल सिर्फ अग्निपथ योजना पर सुनवाई हुई है, आर्मी एग्जाम और एयरफोर्स भर्ती पर, जो एयरफोर्स की पुरानी भर्ती है जिसे रद्द कर दिया गया, उस पर बात नहीं हुई। इस दौरान दोनों तरफ से बैलेंस वाली बात देखने को मिली। आज एक दिन के गैप के बाद अब फिर कल इस मामले पर फिर से सुनवाई होनी है और बताया जा रहा है कि अगली सुनवाई शायद पुरानी भर्तियों पर हो सकती है। देखिए साथियों, हम कई बिंदुओं पर बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक बात और जान लेते हैं कि अभी हमें इस मामले को लेकर दो तरह की बातें सुनने देखने को मिल रही है, जिसमें पहली बात की अगर बात करें तो एक तरफ से बातें सामने आ रही हैं कि अग्निपथ योजना वाली फाइल पर ज़्यादा जोर नहीं दिया जाना चाहिए था, और यही कारण भी रहा है कि आर्मी एग्जाम और एयरफोर्स रिजल्ट और एनरोलमेंट लिस्ट मामले पर सुनवाई में देरी हो रही है। जबकि दूसरी ओर से यह बात सामने आ रही है कि पुरानी भर्तियों को अग्निपथ योजना लागू करने के बाद ही रद्द किया गया है, यानी आर्मी एयरफोर्स की पुरानी भर्तियां जिन्हें रद्द कर दिया गया है उनका सीधा सीधा संबंध अग्निपथ योजना से है। जो इस बात को रख रहे हैं उनका यह भी मानना है कि अग्निपथ योजना में संशोधन के बाद ही आर्मी एग्जाम कराया जा सकेगा और एयरफोर्स का रिजल्ट और एनरोलमेंट लिस्ट जारी की जा सकेगी। इसलिए इस मामले में अगर आर्मी एग्जाम या एयरफोर्स रिजल्ट और एनरोलमेंट लिस्ट का मामला आता है तो वहां पर अग्निपथ योजना बीच में आएगी ही। लेकिन कोर्ट से हमें इस तरह की खबर भी देखने को मिल चुकी है कि वो इन मामलों पर अलग अलग करके सुनवाई करना चाहता है और वैसा ही चल रहा है। तो देखिए, यहां पर यह बात तो सही है कि अगर आर्मी एग्जाम और एयरफोर्स रिजल्ट और एनरोलमेंट लिस्ट मामले वाली फाइल पर ज्यादा जोर दिया जाता, उसे पहले आगे किया जाता, तो हो सकता है कि उस मुद्दे पर पहले सुनवाई हो सकती थी। खैर, अब भले ही कुछ और देरी हो जाएगी, लेकिन सुनवाई तो फिर भी सभी मुद्दों पर होनी ही है। देखिए, इस पूरे मामले में वैसे तो ऐसे कई मुद्दे हैं जो युवाओं के इस पक्ष को बहुत मजबूत बना रहे हैं, जैसे एक मुद्दा उम्र में छूट को लेकर भी है, क्योंकि सरकार ने कहा था कि सभी युवाओं को वन टाइम अपर एज रिलैक्सेशन दिया गया है, लेकिन सच्चाई क्या है ये तो आप भी जानते हैं। सिर्फ जीडी और एनए वालों को 2 साल उम्र में छूट दी गई है, ट्रेडमैन क्लर्क और टेक्निकल को उम्र में छूट नहीं दी गई है। अब यह कौन सा नियम है कि जीडी वालों और एनए वालों को उम्र में छूट दी जाती है और बाकी को नहीं? क्या उन बच्चों ने तैयारी नहीं की थी? क्या कोरोना काल में उन बच्चों की उम्र नहीं बढ़ी थी? यानी ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हो सकता है कि कोर्ट सुनवाई के दिन ही कोर्ट केंद्र सरकार से यह पूछ ले कि इन युवाओं के साथ में सरकार ने इतना बड़ा भेदभाव क्यों किया है। और इसके बाद जो बड़ा मुद्दा है आर्मी एग्जाम और एयरफोर्स रिजल्ट और एनरोलमेंट लिस्ट का, तो इसमें भी साफ तौर पर केंद्र सरकार की गलती दिखाई देती है। क्या कहकर भर्तियों को रोका गया था? कोरोना का बहाना बनाकर ना? जिस समय में कोरोना का बहाना बनाकर सेना भर्तियों को रोका गया था, उस समय में कोई ऐसा एक काम सरकार बता दे जो काम नहीं हुआ हो, फिर चाहे चुनाव हो, चाहे धार्मिक आयोजन हो, चाहे सामाजिक कार्यक्रम हो, दूसरी तमाम प्रतियोगी परीक्षाएं कराई गईं, छोटे बच्चों के स्कूल तक खोल दिए गए, लेकिन उन दिनों में भी कोरोना का खतरा बताकर सरकार और सेना ने सेना भर्तियों पर रोक लगाए रखी। और मजे की बात तो ये है कि आर्मी का एग्जाम तक नहीं कराया गया, जिसमें मुश्किल से 3 से 4 हजार युवा एक परीक्षा केंद्र में परीक्षा में शामिल होते हैं, वो भी काफी दूरी से बैठते हैं। और इससे भी ज्यादा मजे की बात तो यह है कि एयरफोर्स भर्ती का तो रिजल्ट तक जारी नहीं किया गया, क्योंकि कंप्यूटर में भी कोरोना आ सकता था, इसलिए आम जन के बचाव के लिए सरकार को ये बड़ा काम भी करना पड़ा। अगर सरकार आम लोगों के लिए नहीं सोचेगी तो फिर कौन सोचेगा? खैर, यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही सोच लिया गया। देखिए, हम आप सभी युवाओं से कहना चाहेंगे कि आप तमाम युवा पॉजिटिव रहें, न्यायालय और अपने भगवान पर भरोसा रखें, क्योंकि जब सभी जगह से हमें निराशा हाथ लगती है, तब हमारी आखिरी आस, आखिरी उम्मीद वो ईश्वर, वो भगवान होते हैं। और आप सभी भगवान पर भरोसा रखें और उनसे प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, हमें हमारा हक मिल जाए, हमारी सेना भर्ती की जो अधूरी भर्तियां हैं उन्हें पूरा कराया जाए। तो चलिए साथियों, फिर मिलते हैं सेना व सेना भर्ती से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।